ठीक है, तो नेग्लिजेंट एक्ट क्या होता है? नेग्लिजेंट बेसिकली एक्ट वो एक्ट होता है जिसमें हम डिसरिगार्ड करते हैं। क्या डिसरिगार्ड करते हैं? वो ड्यूटीज जो ड्यूटीज हमारे ऊपर लॉ ने इम्पोज करी है। लॉ ने हमें कहा है कि इस तरीके से हमें इस काम को करना है, बट हमने उस काम को किसी गलत तरीके से किया और सामने वाले का हमने नुकसान करा दिया, तो उसके लिए हमें कंपनसेशन जो है उस पर्सन को पे करना पड़ेगा जो भी नुकसान हुआ। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट केस है जो इसकी मीनिंग के ऊपर है, वो है जैकब वर्सेस मैथ्यूज का, जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 2005। बेसिकली इसमें कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि नेग्लिजेंस जो होगा वो एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है जो कि कॉज बाय होती है ओमिशन टू डू समथिंग विच ए रीजनेबल मैन डू। बेसिकली कहने का मतलब है कि आपको ओमिशन को मैंने क्या पढ़ाया था, ओमिशन का मतलब होता है आपको कुछ करने के लिए कहा गया है बट आपने वो चीज को नहीं किया, है ना। आपको करने के लिए कहा गया है कि आप इस रोड पे 60 से ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे, बट आपने क्या किया, 120 की स्पीड से गाड़ी चलाई। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपको कोई चीज करने के लिए कही गई है बट आपने उस चीज को नहीं किया, तो उस सिचुएशन पे आपकी लायबिलिटी होगी। जैसे कि और एक एग्जाम्पल है, आपने दूसरा वो सही एग्जाम्पल जो है वो के एक लाइफ सेविंग गार्ड है ना, जिसके काम है कि नदी के आसपास जो भी लोग डूब रहे होंगे उसको जाके वो बचाना, लेकिन कोई इंसान उसके सामने डूब रहा है और वो बैठ के मोबाइल में रील देख रहा है। ठीक है, बोला अरे यार वो वहां गया क्यों था, है ना, उसकी गलती है, डूबने दो, हटाओ, मैं रील देखूंगा। वो बैठ के मोबाइल में रील देख रहा है, उसके सामने एक आदमी डूब गया। वॉट ही डिड ए नेग्लिजेंट एक्ट। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि क्या जो नेग्लिजेंट एक्ट है, ठीक है, वो जो है एक अपने आप में एक टॉर्ट है, ठीक है, या वो जो नेग्लिजेंट एक्ट है वो किसी दूसरे रॉन्ग के साथ मिलकर एक ऑफेंस या कह ले एक रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट है इसके इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला कह रहा है नेग्लिजेंस एज ए स्टेट ऑफ माइंड, मतलब कि नेग्लिजेंट एक अपने आप में रॉन्ग नहीं है, नेग्लिजेंट जो है कुछ अदर काइंड ऑफ जो रॉन्ग है, जो टॉर्ट्स हैं उनसे मिलकर एक रॉन्ग बनाता है। क्या कहने का मतलब है कि जैसे कि किसी आपके ऊपर एक रूल है, आपके ऊपर एक रूल है, क्या रूल है, कि आप किसी के घर में बिना उसकी परमिशन के एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, आप उसे घर में बिना उसकी परमिशन के इंटर कर गए, तो जो इंटर किए हैं वो नेग्लिजेंट एक्ट है, और इंटर करने के बाद आपने क्या रॉन्ग कर दिया, ट्रेसपास कर दिया। सो नेग्लिजेंट एक्ट प्लस ए काइंड ऑफ रॉन्ग, है ना, अदर अदर काइंड ऑफ जो टॉर्ट है उनको मिला के एक जो है यहाँ पे कंप्लीट रॉन्ग बनता है और जिसमें आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते। ठीक है, समझ आ रही बात कि जो दूसरा ही काइंड ऑफ रॉन्ग है, एक जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो दूसरे काइंड ऑफ रॉन्ग है उनको मिलाने के बाद प्लस नेग्लिजेंट एक्ट, अगर आपका जो है वो क्या कहते हैं उसको, एक एक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है, तभी जो है आपको लायबल किया जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि नेग्लिजेंस एज ए स्टेट ऑफ माइंड, इट मींस नेग्लिजेंस एज अ मोड ऑफ कमिटिंग सर्टेन टॉर्ट्स लाइक ट्रेसपास, डिफामेशन, न्यूसेंस एटसेट्रा। कि भाई आपके ऊपर ड्यूटी लगाई गई, क्या लगाई गई, कि भाई आप किसी के बारे में उल्टी सीधी गलत बातें ऐसे नहीं कहेंगे सोसाइटी में जिससे उसका रेपुटेशन कम हो। अब आपने नेग्लिजेंटली क्या किया, उसके बारे में उल्टा सीधा लिख दिया। ठीक है, तो वो जो आपका एक्ट है प्लस सामने वाले का के ऊपर जो उसका इफेक्ट हुआ, दोनों मिला के एक सिंगल एक्ट बनता है। ठीक है, नेग्लिजेंट एज ए स्टेट ऑफ माइंड की जो रूल है वो ये कहता है, और इसको सपोर्ट करते हैं ऑस्टिन, सैलमन एंड विनफील्ड। बेसिकली जिन ऑस्टिन सैलमन की, तो सैलमन और विनफील्ड की डिफिनेशन भी हमने पढ़ी है लॉ ऑफ टॉट। सो द पॉइंट इज कि इन लोगों ने इस थ्योरी को माना है, तो इनका कहना है नेग्लिजेंस प्लस अदर इंग्रेडिएंट या अदर रॉन्ग इज इक्वल टू सम रॉन्ग। ठीक है, दूसरा जो थ्योरी है वो कहती है नेग्लिजेंस एज ए कंडक्ट। नेग्लिजेंस एज ए कंडक्ट का मतलब है, ये सिंपल सी बात कह रहा है कि ए कंडक्ट विच इन्वॉल्व अ रिस्क ऑफ कॉजिंग हार्म,
भाई आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसके वजह से सामने वाले को नुकसान हो रहा है ना, जिसमें रिस्क है कि सामने वाले को उसको नुकसान हो, और आप क्या करते हो कि जो भी आपको सेफ गार्ड लेना था, जो भी आपको मेजर्स लेने थे, आपने वो मेजर्स नहीं लिए, आपने अदर किसी पर्सन को इंजरी कर दी, तो इस सिचुएशन में आपको नेग्लिजेंट एक्ट के लिए लैप किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस थ्योरी के हिसाब से नेग्लिजेंस को एक स्पेसिफिक और सेपरेट टॉर्ट कहा जाता है, ये इनके साथ मिलके नहीं बनेगा कोई टॉर्ट, मतलब डेफामेशन के साथ मिलके एक टॉर्ट बन गया, ट्रेसपास के साथ मिलके एक टॉर्ट बन गया, न्यूसेंस के साथ मिलके एक टॉर्ट बन गया, नहीं, ठीक है। नेग्लिजेंट कहते हैं इस थ्योरी के मानने में, जो डॉक्टर जॉन फ्लेमिंग हैं, इनका कहना है कि नेग्लिजेंस अपने आप में ही एक टॉर्ट है, ठीक है, उसको किसी अदर टॉर्ट के साथ मिलके एक रॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही कहते हैं कि नेग्लिजेंस है, जो है इज इक्वल टू इटसेल्फ अ रॉन्ग, है ना, ये किसी और के साथ मिलके कोई रॉन्ग क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे डिफरेंस समझ में, जैसे न्यूसेंस की अगर भी हम बात करें, तो एक इंसान क्या करता है कि भाई एक इंसान के पास लिमिट है कि भाई आप रात 10 बजे तक जो है वो डीजे बजाएंगे, या 11 बजे तक डीजे बजाएंगे, ठीक है, या फिर एक, एक सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट यस क्या कह रहे थे हम कि नेग्लिजेंस का मतलब दो एस्पेक्ट्स हम लोग देखते हैं, एक एस्पेक्ट से कि भाई नेग्लिजेंट अपने आप में खुद रॉन्ग है ना, उसको किसी अदर रॉन्ग के साथ मिलके कोई रॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं, और एक एस्पेक्ट है कि नेग्लिजेंस प्लस कुछ अदर रॉन्ग, और तब जाके हम सामने वाले पर्सन को लायबल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजों की जरूरत होती है, तीन चीजों में पहली पहली चीज ये है कि द डिफेंडेंट ऑन्स ड्यूटी टू केयर टूवर्ड्स द प्लेंटिफ, सबसे पहला होना चाहिए कि डिफेंडेंट के पास ड्यूटी होनी चाहिए, है ना, अगर वो ड्यूटी नहीं है तो उन सिचुएशन पे जो है वो लायबिलिटी यहाँ पे नहीं आएगी, है ना, सबसे पहले तो ड्यूटी होनी चाहिए, दूसरी है कि वो उस ड्यूटी का ब्रीच कर दे, एंड देन तीसरी है कि प्लेंटिफ जो है उससे सफर करे, है ना, अगर उस ब्रीच किया है और सामने वाले को कोई नुकसान नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर नेग्लिजेंस वाली बात नहीं आएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक बात लें कि क्या कहते हैं उसको, एग्जाम्पल के तौर पे, ओ जस्ट अ सेकेंड, अच्छा ये पानी चाहिए इसको, ओके हाँ। तो नेग्लिजेंस में क्या है, तीन चीजों का यहाँ पे आपको कहने का है कि पहली आपकी एक ड्यूटी होनी चाहिए टू टेक केयर द प्लांटिव, दूसरा कि उस ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए, अगर ब्रीच हुआ है तो फिर उसके बाद उससे सामने वाले को नुकसान, मतलब प्लांटिव को नुकसान होना चाहिए। तो ड्यूटी टू टेक केयर में क्या आता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी में क्या आता है, और डैमेजेस, तो डैमेजेस तो सिंपल सी बात है, आप समझते हैं कि डैमेजेस मतलब उसको नुकसान होना, तो ये जो दो वर्ड है पहले के, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी टू टेक केयर मतलब क्या ड्यूटी आएंगी, सारी ड्यूटी आएंगी, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सामने वाले ने बोला कि भाई आप हमें जो है वो मूवी दिखाने ले जाओगे और हम जो है उसको मूवी दिखाने नहीं ले गए, वेदर इट इज अ काइंड ऑफ ड्यूटी अपॉन मी, एंड वो सामने वाले पर्सन क्या मुझे सू कर सकता है कि भाई इसने ड्यूटी का ब्रीच कर दिया, नहीं, जो ड्यूटी होगी वो
लीगल ड्यूटी होगी। लीगल ड्यूटी कौन सी ड्यूटी होती है? लीगल ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो लॉ इम्पोज करता है आपके। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाड़ी वाला, मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया कि भाई गाड़ी की जो लिमिट है कि आपको हाईवे पे 100 की स्पीड में ही गाड़ी चलानी, ठीक है। आपने क्या किया कि 120 की स्पीड से, 140 की स्पीड से, 150 की स्पीड से गाड़ी चला रहे, तो लॉ ने वो स्पीड की जो लिमिट है आपके ऊपर इम्पोज करी, ठीक है। और अगर आप उस लिमिट को जो है क्रॉस कर देते हैं तो वो फिर ब्रीच में चला जाए, है ना। तो सबसे पहले तो ड्यूटी लीग, तो लीग ड्यूटी कैसी होनी चाहिए? वो लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, मोरल ड्यूटी या सोशल ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, है ना। लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। एंड ड्यूटी में अराइज आउट ऑफ द स्टेट्यूट और अदरवाइज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी हमें कुछ ड्यूटी मिल सकती है, जैसे हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, कि हमारे हमें नेशनल एंथम की टेक केयर करनी, मतलब रिस्पेक्ट करनी है ना, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, बच्चों को अपने पढ़ाना है ना। उसके बाद और भी बहुत सारी ड्यूटीज हमारे ऊपर रखी गई है ना, कि इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है हमें। जब भी जरूरत पड़ेगी आर्मी में जाने के लिए तो हमें सर्विस स्टेट को देनी है। तो ये सारी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं। कुछ ड्यूटीज हमारे ऊपर किसी पर्टिकुलर लॉ से इम्पोज की गई है, जैसे कि अगर हम लोग आईपीसी की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस के बारे में बताया गया, बट वो जो ऑफेंसेस है इज ए काइंड ऑफ ड्यूटी अपॉन द अदर पर्सन, कि भाई किसी का आप मर्डर नहीं करेंगे, अगर आपको मर्डर करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, है ना। किसी को आप रॉन्गफुल कन्फाइन, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, अगर आप करेंगे तो वो आपको सजा मिलेगी। तो ए इनडायरेक्टली जो ऑफेंसेस जितने भी हैं वो एक ड्यूटी इम्पोज करते हैं आदमी के ऊपर, कि अगर वो आदमी फिर वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं, मतलब उस काम को उस तरीके से करता है तो फिर उसके ऊपर जो है वो पनिशमेंट रखी गई, ठीक है। देन ठीक है, तो ड्यूटी क्या है? इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑर्गेनाइज बाय लॉ टू अवॉइड अनरीजनेबल कंडक्ट रिजल्टिंग ए रिस्क ऑफ डैमेज। सिंपल सी बात है कि एक तरीके का ऑब्लिगेशन है जो लॉ इम्पोज करता है, जिसमें कहता है कि भाई अगर आप इस चीजों को करते हैं, है ना, इस तरीके से इसमें अगर आपने कर दिया जो भी आपको, मतलब बेसिकली कहने का मतलब कि कुछ काम आपको करने थे, अगर आपने उस काम को नहीं किया तो आपको फिर जो है वो जो भी सामने वाले को डैमेज हुआ है वो डैमेज आपको देना पड़ेगा। डोंग्यू वर्सेस स्टीफेंसन का जो सबसे पहला केस है, इसमें थोड़ा सा ये कोरिलेट करता है इससे, तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये कहता है कि ड्यूटी में मतलब यहाँ पे होगा कि पर्सन मस्ट टेक रिजनेबल केयर टू अवॉइड ओमिशन विच ही कैन रिजनेबली फोरसी दैट इट विल इंजरी द इंजर द नेबर, ठीक है। तो और अच्छा, तो इसमें सबसे पहले बात, एक वर्ड यूज किया कोर्ट ने यहाँ पे नेबर का, भाई ड्यूटी का मतलब ये होता है कि आप एक रीजनेबल केयर करेंगे जिससे आप अवॉइड कर सकें ओमिशन को, जिससे सामने वाले की नुकसान हो जाए। सामने वाला मतलब बगल वाला, बगल वाला का और में नुकसान, चीजें कैसी होनी चाहिए जो आप फोरसी कर सके, ठीक है। तो इसमें दो तीन वर्ड है उसको समझ लीजिएगा तो ये पूरा चीज समझ में आ जाएगी। ये कह रहा है कि सबसे पहला कि आपके ऊपर एक रीजनेबल केयर होनी चाहिए, कि आप जब भी कोई काम करेंगे तो केयर देखेंगे कि क्या चीजों का आपको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा कि उसमें ट्राई करेंगे आप कि आपसे ओमिशन ना हो, मतलब कि जो भी ड्यूटी आपके ऊपर लगाई गई है उस ड्यूटी को आप परफॉर्म करें, अगर आपने उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया तो फिर आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। तीसरा कि जो भी नुकसान हो रहा है आप उसको फोरसी कर सकें, फोरसी कहने का मतलब है कि आप उसको देख सकें, आपको पता होगा हाँ भाई अगर ये काम मैं इस गलत तरीके से कर रहा हूं तो सामने वाले को ये नुकसान इससे हो सकता है, ठीक है। और एक वर्ड यूज किया गया नेबर, तो नेबर कौन होगा इसको डिफाइन किया गया कोर्ट के द्वारा इस पूरे इसमें, कि नेबर का मतलब होता है पर्सन सो क्लोजली अफेक्टेड बाय एन एक्ट आई एक्ट आउट रीजनेबली टू हैव देम इन कंटेम्पलेशन एज बीइंग सो अफेक्टेड व्हेन आई एम डायरेक्ट माई माइंड टू एक्ट और ओमिशन विच आर कॉल्ड इन क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पे मैं कहने का मतलब है कि पर्सन जो नेबर का मतलब होता है वो एक पर्सन होता है जो क्लोजली अफेक्ट होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे हमारे एक्ट से हमारे आसपास के लोग यहाँ पे, ठीक है, आसपास के लोग, ठीक है। कहने का मतलब है कि जिसको हम हमारे ऊपर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है हम उसी की से बात करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक, अभी हम लोग एक और भी इसके साथ एक और काइंड ऑफ
रॉन्ग पढ़ेंगे, जो कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस वाला पॉइंट है ना, वो रॉन्ग नहीं है, बट वो बताता है कि लाइबिलिटी कितनी होगी। कभी भी आप कोई टॉर्ट करेंगे तो उसमें लाइबिलिटी कितनी होगी, रिमोटनेस ऑफ डैमेज पढ़ेंगे। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे यही कह रहा है कि ऐसा नहीं कि आपने अगर कोई नेग्लिजेंट एक्ट किया है तो उसके लिए जितने भी लोगों को नुकसान हुआ आप सबके लिए आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, उतने ही लोगों की राशि लाइबिलिटी आएगी जिसको आप रिजनेबल फोरसाइट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे हैं और आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो मान लीजिए अगर आपने किसी को हिट किया, हिट करने के बाद वो इंसान को इंजरी हो गई, तो आपकी लाइबिलिटी होगी। अब पता चला हिट करने के समय उसके पॉकेट में कोई बॉम्ब था और वो बॉम्ब जो है वो फट जाता है, और फटने से जो है क्या होता है कि जो आवाज निकलती है, आवाज की वजह से पास में एक हॉस्पिटल रहता है और उस हॉस्पिटल में एक लेडी अपने बच्चे को लेके खड़ी रहती है, और उस आवाज से उस लेडी के हाथ से वो बच्चा भी गिर जाता है और बच्चे की मौत हो जाती है। तो क्या आप उस बच्चे की मौत के लिए लायबल होंगे? तो आंसर है नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ लायबल होंगे इस पर्सन की मौत के लिए या इस पर्सन की इंजरी के लिए। उस पर्सन की पास जो है बॉम्ब था ये आपको नहीं मालूम था, बॉम्ब जो है वो फट गया, फटने के आवाज से जो है वो सामने वाले किसी और को भी नुकसान हुआ। तो ये चीजें जो है, इन सब चीजों की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। तो पॉइंट यही है कि भाई जो भी रॉन्गफुल एक्ट होगा उसमें क्या कितने दूर तक के कॉन्सिक्वेंसेस को आप देख सकते हैं, जितने तक को आप देख सकेंगे, जितने को आप फोरसाइट कर सकेंगे, मतलब आपके दिमाग में हो कि हाँ ये नुकसान हो सकता था, तो उतनी की ही लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी, अदरवाइज उससे ज्यादा की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। और वही लोग जो है वो नेबर में आपके आएंगे, कहने का मतलब। ठीक है, देन दूसरा पॉइंट है रिजनेबल फोरसीएबल इंजरी, है ना, जो मैंने अभी जैसे इसमें आपको पॉइंट बताया, तो ये वाली चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, कि जैसे कि एक केस है इसमें, अगर हम लोग पढ़े हैं इसमें कि एक ग्लासगो कॉरपोरेशन वर्सेस मुहिर वाला केस था, तो इसमें लोग पिकनिक मना रहे होते हैं, पिकनिक में ये लोग बहुत सारे गलन ऑफ टी को जो है लेके जा रहे होते हैं, और उस जगह से लेके जा रहे होते हैं जहाँ पे चिल्ड्रन खेल रहे होते हैं। तो एक मेंबर का हाथ जो है वो ग्रिप जो है वो छूट जाती है, गलन गिर जाता है, गलन से जाके वो बच्चे को इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पर डिफेंडेंट जो है वो नॉट हेल्ड लायबल बिकॉज द इंजरी वाज नॉट फोरसीएबल एज देयर वाज नो नेग्लिजेंट ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। भाई उनकी कोई गलती नहीं होती, वो कहते हैं कि भाई हाथ जो है उनका गलती से छूटा है, कोई उन्होंने गलती नहीं करी और वो जो है चीजों को लेके जा रहे थे, तो यहाँ पे कोई उनकी गलती नहीं। ठीक है, फिर वही बात है कि बेल्टन वर्सेस स्टोन, जैसे एक पर्सन ऑन एक रोड पे था, प्लेयर ने छक्का मारा, वो छक्के वो जो बॉल थी वो जाके उसके सर पे लगी, उसको इंजरी हो गई। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे भी कोई नेग्लिजेंस नहीं है, क्योंकि भाई वो जो उसने हिट किया बॉल को, तो बॉल स्टेडियम से बाहर जाएगी, बाहर में कोई आदमी खड़ा होगा, उसके सर पे लगेगी और सर लगने की वजह से उसको चोट हो जाएगी। नो वन कैन फोर्स से दिस, मतलब कोई भी पर्सन जो है इसका अनुमान नहीं लगा सकता, तो इसलिए यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, ये एक केस जो है आपका उसमें भी आएगा, एक्सीडेंट वाले में भी, ठीक है ना, इनएविटेबल एक्सीडेंट में भी आएगा पॉइंट। और ये प्लस इसके साथ आपका अगर यही आदमी बाहर ना होके प्ले ग्राउंड के अंदर होता, ठीक है, मैच देखने जाता, तो ये वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया के भी अंदर आता। ठीक है, तो एक केस में हम लोग तीन चीजों को, तीन पॉइंट को समझ रहे हैं यहाँ पर। पहला कि भाई एक ने छक्का मारा, बाहर किसी को जाके बॉल लगी, तो वो रीजनेबल फोरसाइट में नहीं आएगा, रीजनेबल फोरसाइट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी इंसान इतना दूर का अनुमान नहीं लगा सकता कि मेरे इस एक्ट को से इतने दूर के लोगों का नुकसान हो सकता है। ठीक है, दूसरा इसको हम लोग एक्सीडेंट में भी देख सकते हैं कि भाई वो एक्सीडेंट था। और तीसरा वही कि अगर यही इंसान मैच देखने गया होता, ही इज ए वॉचर, मतलब जो है वो एक्सपेक्टेटर कहते हैं, तो उस सिचुएशन में जो है वहां पे जो लायबिलिटी है वो इसकी होती है। ठीक है, मतलब वो चीजें पूरा वॉलंटियर नॉन फिट इंजुरिया में आता। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर। तो पहला हमने समझा क्या है कि पहला आपका होना चाहिए कि ड्यूटी है ना, ड्यूटी में भी रीजनेबल इंजरी वाला जो है वो रूल यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। दूसरा आता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी में ये होता है कि भाई आपने के ऊपर जो ड्यूटी लगाई गई है, आपने उस ड्यूटी का प्रॉपर केयर नहीं लिया और सामने वाले को उससे नुकसान हो। ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी मीन्स नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर विच इज रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। आपने जो है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है उस ड्यूटी का जो भी आपके ऊपर लगाई गई थी, उस ड्यूटी को सही तरीके से नहीं फॉलो किया।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बात करें डॉक्टर की, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, कि डॉक्टर को हमने भाई बोला है कि ठीक है आप हमारा ऑपरेशन करिए, हम अपनी कंसेंट भी आपको दे रहे हैं, बट डॉक्टर ने जब का हमारे ऑपरेशन किया तो पेट में जो है नाइफ छोड़ दी, जो एक होता है उनका पेन जैसा एक वो छोड़ दिया, सीजर छोड़ दिया, या जो पट्टी होती है वो छोड़ दी, या कोई भी दवा है, कोई भी इक्विपमेंट, एक ऑपरेशन का इक्विपमेंट है उसको छोड़ दिया, तो उन सिचुएशन में द डॉक्टर विल बी लायबल फॉर द नेग्लिजेंस। ऐसा नहीं कि भाई नहीं आपने हमें ऑपरेशन की कंसेंट दे दी तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, नहीं भाई आपकी लायबिलिटी बनेगी अगर आपने कोई जो एक्ट किया है नेग्लिजेंट एक्ट किया है, उससे मुझे कोई इंजरी ज्यादा हो गई या फिर मेरी डेथ हो गई तो मेरी उसके लिए आप लायबल होंगे, है ना। और आप अगर सेक्शन 106 पढ़ेंगे है ना, तो वहां पे भी 2 साल तक की पनिशमेंट है डॉक्टर के लिए नेग्लिजेंट एक्ट के लिए, है ना। सो द पॉइंट इज कि जो भी एक्ट अगर आप बिना प्रॉपर केयर के करेंगे वो सारा एक्ट माना जाए कि आपने अपनी ड्यूटी का ब्रेच किया, ठीक। तो इसमें केस है ब्लिथ ब्रिंगहम वाटरवर्क्स कंपनी का, ठीक है, वर्सेस वर्सेस ब्रिंगहम वाटरवर्क्स कंपनी, ब्लिथ वर्सेस ब्रिंगहम वाटरवर्क्स कंपनी। तो कोर्ट हेल्ड दैट लॉ रिक्वायर्ड सर्टेन कॉजन विच ए प्रूडेंट मैन वुड ऑब्जर्व, है ना। होता है ना कि भाई कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगा रखे हैं, कॉजन्स लगा रखे हैं कि भाई आपको ये चीजें नहीं करनी है, लेकिन आपने उस चीजों को कर दिया, है ना। या फिर जब आप कोई चीज करेंगे तो इस पर्टिकुलर तरीके से आप करेंगे, लेकिन आपने उस पर्टिकुलर तरीके को फॉलो नहीं किया और सामने वाले को आपने नुकसान कर दिया, तो वहां पे आपको लायबिलिटी मिलेगी। देन लिथमर जो केस है, इसमें कहा गया है कि ड्यू टू हेवी रेन फैक्ट्री वाज फ्लोडेड विथ वाटर विच गॉट मिक्स विथ ऑयल्स सब्सटेंस एंड मेड द फ्लोर स्लीपी, डिपेंडेंट टू ऑल पॉसिबल केयर एंड स्प्रेड सोडस्ट, है ना। बेसिकली कहने का मतलब है कि एक भाई फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, पानी भरने की वजह से जो सब्सटेंस होता है वो ऑयल से मिल जाता है, ऑयल के मिलने की वजह से जो फ्लोर होता है वो स्लीपी हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जमीन पे तेल गिर जाएगा तो तेल जो है कैसा हो जाएगा, स्लीपी हो जाएगा। डिफेंडेंट बहुत केयर कर भी करता है, बहुत सारे जो सूखी वो सडस्ट होते हैं उनको उसके ऊपर भेजता है ताकि वो स्लीपनेस जो है वो खत्म हो जाए, बट फिर भी जो है वो पिच जो होती है, जो फ्लोर होता है वो जो है आपका स्लीपी ही बना रहता है, प्लेंटिव जो है वो वहां से पार होता है और उसको वो गिर जाता है, उसकी इंजरी हो जाती है। कोर्ट कहता है कि डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिफेंडेंट हैड टेकन ऑल पॉसिबल केयर टू अवॉइड द हार्म, ठीक है। और अब फिर ये सवाल आता है कि भाई हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई सामने वाले ने प्रॉपर केयर लिया कि नहीं लिया, है ना, सारी पॉसिबिलिटी जो है वो उसने अपनी लगाई या नहीं लगाई, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे जो है हर केस टू केस ये डिपेंड करेगा, ठीक है, केस टू केस जो है ये वैरी करेगा, ठीक है, क्या आप किस पर्टिकुलर केस में किस तरीके से केयर कर रहे हैं वो हम वहां पे चेक करेंगे, है ना। कोई एक पर्टिकुलर रूल नहीं है इसके ऊपर, कोई एक हमने फॉर्मूला नहीं बना रखा है उसको चेक करने का, हर केस के हिसाब से हम उस चीज को चेक करेंगे, है ना, और हर केयर हार्म के हिसाब से जो है वो डिसाइड होगा कि किस सिचुएशन में आपको कितनी केयर करनी चाहिए थी, कहीं पर कम केयर करने से भी काम चल जाएगा, कहीं पर केयर आपको ज्यादा दिखानी होगी। सो जितना ज्यादा हार्म, जैसे ये वर्ड है ना कि द लार्जर द हार्म द ग्रेटर द केयर, जितना ज्यादा हार्म उतनी ज्यादा आपको केयर करनी होगी। तो केयर का जो दायरा है दैट विल बी डिपेंड अपॉन दी कितना आप हार्म कर रहे हो या कितना हार्म हो सकता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द हार्म के ऊपर चेक किया जाए। देन इसमें एक मैक्सिम है दैट यू नीड टू रिमेम्बर, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, रेस इप्सा लेक्वेटर। रेस इप्सा लेक्वेटर का मतलब है थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, सिंपल सी बात ये कहता है कि भाई जब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को नुकसान हुआ और उस नुकसान के बाद सिचुएशन देखी गई और सिचुएशन में ये पता चला कि भाई बिना डिफेंडेंट की गलती के ये नुकसान हो ही नहीं सकता था, तो उस सिचुएशन पे हम प्लेंटिफ को नहीं कहेंगे कि यू हैव टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट जो है वो नेग्लिजेंट था अपने पार्ट पे, हम यहाँ पे फिर डिफेंडेंट को बुलाएंगे और बोलेंगे कि आप प्रूव करो कि आप अपने पार्ट पर नेग्लिजेंट नहीं, ठीक है। जनरल रूल क्या होता है
जनरल रूल ये है कि भाई जो क्लेम कर रहा है उसी को प्रूफ करना है कि सामने वाले की गलती थी, है ना। अगर हम कह रहे हैं कि जो ये गाड़ी वाला जो मुझे हिट करके गया है इसकी स्पीड 100 थी, तो हमें प्रूफ करना पड़ा कि उसकी स्पीड 100 थी, ठीक है। लेकिन 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 कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिस सिचुएशन में, जो सिचुएशन को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये एक्ट हो ही नहीं सकता था अगर यहाँ पे प्लेन डिफेंडेंट की, जो डिफेंडेंट है उसकी गलती ना, ठीक है। तो जो भी एक्सीडेंट है, जो भी चीजें हुई हैं, वो बिना डिफेंडेंट की गलती के हो ही नहीं सकती थी। और डिफेंडेंट की कैसी गलती, नेग्लिजेंट एक्ट, मतलब डिफेंडेंट के नेग्लिजेंट एक्ट के बगैर वो चीज हो ही नहीं सकती थी। तो यहाँ पे जो है प्लेंटिफ नीड नॉट प्रूव द नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट, उसको फिर प्रूफ करने की जरूरत नहीं। अब जो है बर्डन शिफ्ट हो जाएगा डिफेंडेंट के ऊपर, और डिफेंडेंट को प्रूफ करना हो कि उसका एक्ट जो है वो नेग्लिजेंट एक्ट नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये रूल ऑफ एविडेंस है। एविडेंस कहने का मतलब है कि प्रूफ के ऊपर, है ना। कि हम एविडेंस में, अगर आप लोग अभी आगे जब जाएंगे लॉ में, तो उसमें आप लोगों को एक चीज पढ़ने को मिलेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ, है ना। कि बर्डन ऑफ प्रूफ अब हमेशा उसके ऊपर होता है जो क्लेम करता है कोई टाइटल। या फिर जैसे हम ऑफेंस की ही बात करेंगे, तो उसमें भी हम प्रूफ करेंगे, जो कंप्लेंट होगा वो प्रूफ करेगा कि सामने वाले ने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि ये जो सिचुएशन है हमारी, ठीक है, कि जब सिचुएशन को देख कर लगेगा कि नहीं, बिना डिफेंडेंट की गलती हुए ये एक्ट हो ही नहीं सकता था, तो उस सिचुएशन में प्लेंटिफ को हम कर देंगे साइड, और डिफेंडेंट को बुलाएंगे और बोलेंगे अब तुम प्रूफ करो कि कैसे तुम्हारी इस जगह पे गलती नहीं थी, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन कैसे आएगी, कैसे होगा ये चीज, तो ये कहता है कि इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को अप्लाई, कुछ प्रिंसिपल्स को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला देखेंगे कि द थिंग जिससे जो नेग्लिजेंस हुआ है वो अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिफेंडेंट होनी चाहिए, है ना। कोई भी ऐसी चीज जो डिफेंडेंट के कंट्रोल या मैनेजमेंट में होनी चाहिए। और दूसरी चीज कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो ऑर्डिनरी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए, इफ द मैनेजमेंट अप्लाइड प्रॉपर केयर एंड कॉज, ठीक है। जैसे कि एक केस को भी हम लोग देखेंगे, तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। पहला कह रहा है कि जो भी चीज है वो कंट्रोल और मैनेजमेंट होनी चाहिए डिफेंडेंट की, और दूसरी चीज है कि वो जो चीज है जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो नहीं होता अगर मैनेजमेंट प्रॉपर केयर एंड कॉजन अप्लाई करता है। जैसे कि ये केस है, आप लोगों को कल भी मैंने पढ़ाया था, या कल नहीं मतलब 2-3 दिन पहले हमने इस केस को पढ़ा था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती, कहीं कहीं पर सुभागवंती वर्सेस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ऐसे भी केस का नाम आपको मिलेगा। तो जो भी है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती, इसमें क्या होता है कि क्लॉक टावर होता है दिल्ली के चांदनी चौक में, वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। क्लॉक क्लॉक टावर किसको बिलोंग करता है, दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, उनके कंट्रोल में होता है, उनको बिलोंग करता है, और वो गिर जाता है। क्या होता है, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो ये मैक्सिम को अप्लाई करती है वहां पर, रेस इप्सा लोकेटर। क्या कहती है कि भाई ये आपके मैनेजमेंट में था, ये आपके कंट्रोल में था, आपकी जिम्मेदारी थी इसको टेक केयर करना। अब कोई चीज अचानक से गिर जाती है, खड़ी खड़ी कोई चीज है और अचानक से वो गिर गई, तो उसको देख के ही लग रहा है कि आपने जो है यहाँ पे उसका प्रॉपर केयर नहीं रखा। अगर आप उसको प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, उसकी मरम्मत कराते हैं, तो वो नहीं गिरता, है ना। सिंपल सी बात है ना, कोई क्लॉक टावर खड़ा खड़ा गिर गया, कोई आंधी नहीं आया, तूफान नहीं आया, कोई सुनामी नहीं आई, कुछ नहीं आया, भूकंप नहीं आया, है ना, और वो अचानक से गिर जाता है, तो इससे क्या दिमाग में आएगा हमारे कि भाई जिसको प्रॉपर मैनेज करना था उस इंसान ने उसको प्रॉपर मैनेज नहीं किया। और यहाँ पे मैनेज करने वाले कौन थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वाले, ठीक है, उन्होंने उसको मैनेज नहीं किया सही तरीके से, इस वजह से जो है यहाँ पे वो गिरा। और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आएगी, मतलब यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले के, वो प्रूफ करें कि भाई उनके तरफ से नेग्लिजेंस नहीं था। तो उनको अगर प्रूफ करना होता तो वो क्या करते, वो दिखाते कि भैया आंधी था, तूफान था, या फिर जो है भूकंप आया था, तो इसलिए क्लॉक टावर गिर गया, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, उनको लायबल किया सुप्रीम कोर्ट। देन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड दैट द मैक्सिमम इज अप्लाइड व्हेन द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द थिंग व्हिच कॉज द डैमेज वाज अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिफेंडेंट एंड हैपनिंग डज नॉट ऑकर इन नॉर्मल कोर्स विदाउट नेग्लिजेंस। तो ये बेसिकली जो क्लॉक टावर था, जैसे मैंने आपको बताया कि वो नॉर्मल सिचुएशन में गिरा था, है ना, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में गिरा था, ऐसा नहीं कि कोई भूकंप आया या कुछ हुआ और गिर गया, कि इसलिए यहाँ पे जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको लायबल किया गया, ठीक है, और उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ डाला गया, यू हैव टू प्रूव दैट देयर वाज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। पहले तो यहां तक बताइए क्या क्या चीजें नहीं समझ में आई, फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। दो चीजें और इसमें पढ़नी है, कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड कंपोजिट नेग्लिजेंस। यहां तक क्या क्या चीजें समझ नहीं आई, यहां तक चीजें क्लियर है? शिवम कह रहा है क्लियर है सर। बिलाल, फिरोज क्लियर है? ठीक है, क्लियर बताइए। हाँ बिलाल बताइए क्या सवाल है। सर, एक बार ड्यूटीज और टेक केयर। क्या ड्यूटी टू टेक केयर? ड्यूटी टू टेक केयर सिंपल सी चीज यही कह रहा है कि भाई आपको सर्टेन मेजर्स लेने पड़ेंगे जब आप कोई काम कर रहे हैं तो, है ना। काम करने का मतलब क्या है कि भाई वही है ना, कि जैसे डॉक्टर का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया कि जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप कट सही तरीके से लगाएंगे, है ना। कट करने के बाद जो भी ऑर्गन में आप वर्क करेंगे, है ना, आप उस ऑर्गन को सही तरीके से करेंगे, है ना, उसमें वर्क करेंगे, उसके बाद जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप उसको अच्छे तरीके से स्टेच कर देंगे उस पूरी बॉडी को, है ना। यही है डॉक्टर का ऑपरेशन का प्रोसीजर। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है इसमें आपने कहा कि अरे पेट काट दे, उसके बाद आपने कहा कि अरे अब चलो फोन आ गया, थोड़ा सा फोन पे मैं बात कर लेता, फिर आप बात करने लगे, ब्लड जो है वो बह रहा है उसका आदमी का, है ना, और आपने फिर कहा कि नहीं नहीं जल्दी जल्दी बहुत सारा ऑपरेशन करना, और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कोई औजार ही आपने पेट में छोड़ दिया उसके, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो कहने का मतलब आपने प्रॉपर केयर नहीं लिया। प्रॉपर केयर एक इज वेरी वाइडर टर्म, है ना, ड्यूटी टू क्या कहते हैं, कि जैसे कि कोई इंसान जो है वो कोई काम कर रहा है तो उस टाइम में क्या क्या चीजों का उसको ध्यान रखना है उस काम को करते समय, है ना। कोई भी चीज जो है वो जब करेगा तो जो भी उससे जरूरी चीज, जरूरी सेफ्टी मेजर उसको वहां पे लेने हैं, वो सारी चीजें उसको लेगा। अगर वो चीजें नहीं लेता है तो फिर ये यहाँ पे माना जाए कि उसके साइड से डिफॉल्ट है बेसिकली, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो नेग्लिजेंस है उसमें यही तीनों चीज की जरूरत है। पहला कि एक लीगल ड्यूटी हो आपके ऊपर, कोई उस ड्यूटी को आपको परफॉर्म करना है, आपने उस ड्यूटी का ब्रीच किया है, ब्रीच आप कैसे करेंगे कि आपने प्रॉपर केयर नहीं लिया, है ना, जो भी आपको केयर लेने थे। और तीसरा कि भाई उसके सामने वाले को उससे कोई डैमेज हो रहा, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीजें होती हैं तो आप नेग्लिजेंट के लिए लायबल होंगे और आपको कंपनसेशन पे करना, ठीक है। चलिए, हाँ फैसल बताइए, फिरोज सर, सॉरी। वो ब्रीच सर ब्रीच ऑफ ड्यूटी टेक केयर का कैसा क्या है सर? हाँ, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर नहीं, मींस ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कि नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर, है ना, वही बता रहा था भी कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर में एक होता है कि भाई आपके ऊपर जो ड्यूटी लगी गई है उसका मतलब होता है कि आपने प्रॉपर केयर नहीं लिया। प्रॉपर जिसका केयर लेने वो का केस में बताया वाला है, म्युनिसिपल जो क्लॉक टावर के अंदर जो लेडी रहती है उनको टेक केयर के लिए देते हैं ना, वो बरोबर प्रॉपर केयर नहीं करते, हाँ उसके ऊपर अप्लाई होता है सर। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग कोई एक केस अगर ले लें यहाँ पे, कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आग लगने की जो है वो संभावना बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने, जैसे सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पेट्रोल पंप का, ठीक है, पेट्रोल पंप का।
पेट्रोल पंप कैसी जगह है? अगर वहां पे हम कोई लाइटर जलाएंगे, आग जलाएंगे, तो वहां पे माचिस जलाएंगे, कुछ भी जलाएंगे, तो आग लगने की संभावना ज्यादा है ना। हम क्या गए, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाने गए और वहां पे हम एकदम बेहतरीन सिगरेट हमने निकाली और हमने वहां पे एक सिगरेट जलाया, क्या हुआ, आग लग गई उससे, वहां पर पूरा पेट्रोल पंप जल गया, लोगों को नुकसान हुआ, इंजरी वगैरह हुई, सारी चीज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मुझे प्रॉपर केयर करनी थी वो प्रॉपर केयर मैंने नहीं करी। मेरा ये था कि जो भी प्रिमाइसेस है वो पेट्रोल पंप का, वहां पे कोई भी ऐसी चीज जो कि फायर काउज कर सकती है उसका हम यूज ना कर। हम बेहतरीन जा रहे हैं वहां पे और जाके एक सिगरेट जला रहे हैं या माचिस जला रहे हैं या कुछ भी तरीके का जो है हम वहां पे ऐसा चीज यूज करें जिससे फायर लग हो सकता है, तो दैट मीन्स आई हैव नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर। सो वही मैंने बताया कि प्रॉपर केयर जो है वो केस टू केस वैरी करेगा, कहाँ पे किस चीज को हम प्रॉपर केयर मानेंगे वो डिपेंड करेगा कि कैसा सिचुएशन था, कैसा केस का फैक्ट था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर केयर में हम डिग्री कितना है, कितना प्रॉपर केयर आपको लेना था वो भी डिपेंड करेगा कि कितना हार्म हो सकता था। तो हार्म के सिचुएशन के, हार्म के ऊपर जो है, हार्म का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसके हिसाब से केयर की जरूरत होगी। छोटा हार्म है तो छोटी केयर, बड़ा हार्म है तो बड़ी केयर, कहने का मतलब ये, ठीक है, ये चीज है आपका प्रॉपर केयर। रिसेप्शन इक्वेटर मैंने समझा दिया है ना, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इसका पूरा फैक्ट केस का याद रखिएगा, है ना, क्लॉक टावर वाला, कि क्लॉक टावर जो है वो गिर जाता है और जो हस्बैंड होता है लड़की का उसकी डेथ हो जाती है, तो वो लड़की जो है वो फिर केस करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के अगेंस्ट में। ये बेसिकली एक छोटा सा फैक्ट है। केस जाता है पहले ट्रायल कोर्ट के पास, ट्रायल कोर्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लायबल करता है, अपील में जाते हैं, अपील में भी हाई कोर्ट लायबल करता है, एंड देन फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा वो भी यही कहता है कि भाई मैगजीन जो है वो अप्लाई होगा, ड्यूटी टू टेक केयर था, और यहाँ पर जो है सामने वाले को कि जो सिचुएशन है पूरी की पूरी उसको देख के ही पता चल रहा है कि ये जो टावर था वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के कंट्रोल में था, उन्होंने ऑब्वियस सी बात है केयर नहीं करी कि तभी तो वो गिर गया। अब कोई आंधी नहीं आया, तूफान नहीं आया, कोई भूकंप नहीं आया, तो और वो टावर गिर गया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने प्रॉपर केयर नहीं करी। सो दैट्स व्हाई द बर्डन ऑफ प्रूफ अपॉन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली कि वो प्रूफ करे कि उनके साइड से कोई नेग्लिजेंस नहीं, ठीक है। ये चीजें इस केस में पूरी की पूरी है और ये केस जो है आपको पूरा का पूरा लिख के आना है, ठीक है। देन उसमें आते हैं, दो आते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड कंपोजिट नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि प्लेंटिफ का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है, आपकी तरफ से तो गलती गलती है ही, ठीक है, लेकिन कुछ गलती प्लेंटिफ की तरफ से भी है और उस गलती के मिलने की वजह से फाइनल जो एक्ट है, जो फाइनल रॉन्ग है वो हुआ है और उसको नुकसान। जैसे कि केस अगर हम लोग दो तीन पढ़ेंगे इसमें, तो एक केस ऐसे ही मैं बता देता हूँ आपको, एक केस है कि एक इंसान ने अपना डोंकी जो है वो रोड पे छोड़ दिया, ठीक है, रोड पे छोड़ दिया। अब जब ये डोंकी रोड पे चल रहा था तो अचानक से एक आदमी जो है वो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हुए आया था और उसने डोंकी को देखा और जो है मतलब देखा, क्या कहने का मतलब है कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी गाड़ी को, अचानक से डोंकी उसकी गाड़ी के सामने आ गया और उसने उसको हिट कर दिया, डोंकी बेचारा, गधा जो है बेचारा मर गया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई अब गधा जो है उसको रोड पे छोड़ना इज अ काइंड ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ। तो यहाँ पे कहा कि भाई ठीक है, चलिए माना कि भाई प्लेंटिफ मतलब वो जो है गाड़ी उसकी स्पीड थी, बट यहाँ पे इसने गधे को रोड पे छोड़ रखा है, इसलिए यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होता है प्लेंटिफ के साइड से। तो यहाँ पे कोर्ट ने कंपनसेशन जो है उसको थोड़ा सा शायद कम कर दिया था, देखें जरा पे क्या था। हाँ, सॉरी, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल अप्लाई किया यहाँ पे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कहा कि भाई क्लेम मिलेगा उसको, क्यों, क्योंकि लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल के हिसाब से जो जो ये है रूल है वो उसके ऊपर अप्लाई, मतलब डिफेंडेंट के ऊपर अप्लाई होता है। तो इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं, तब मैं इसको अच्छे से आपको बता। सिंपल सी बात है, इसमें कहता है कि प्लेंटिफ की खुद की तरफ से कोई अगर नेग्लिजेंट होता है तो वहां पे जो है वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में आएगा, मतलब कि डिफेंडेंट की भी कोई गलती है और प्लेंटिफ की भी कोई गलती है, दोनों की गलती है, और उसकी वजह से कोई एक्ट हुआ और प्लेंटिफ को सिर्फ नुकसान हो गया,
तो उस सिचुएशन में जो नुकसान होगा उसमें जो प्लेंटिफ का क्लेम होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, वो जितना मांग रहा है उसको उतना नहीं मिलेगा, कुछ कुछ सिचुएशन में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये रूल है, ठीक है। बट इसमें ये चीज देखी जाएगी कि लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल, एक इसमें बात है कि भाई लास्ट में किसके ऊपर ये ड्यूटी आती है कि वो टेक केयर करे, ठीक है, टेक केयर करे, ठीक है। तो अगर लास्ट के टाइम में ये देखा जाएगा कि जो टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंडेंट की थी, तो डिफेंडेंट को लायबल किया जाएगा। अब इसको समझिए थोड़ा सा कैसे, और इसमें दो चीजें हैं, एक और, एक आपने टॉर्ट में, एक आप लोग वो पढ़ेंगे बायर बी अवेयर, किसी को याद है उसकी मैगजीन क्या है, बायर बी अवेयर, तो लैटिन एक वर्ड है। चलिए कुछ नहीं, मतलब पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई चीज परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस चीजों को देख के अच्छे से चेक करके खरीदें। आपने उस चीजों को देखा नहीं, चेक नहीं किया और आपने ले लिया, फिर आपको उससे कोई नुकसान हो जाता है, तो यहाँ पे सामने वाले को लायबल नहीं करें, ठीक है, बायर बी अवेयर वाला कुछ पॉइंट। सो यहाँ पे यही है कि आपके ऊपर रेगुलेटर कोई ड्यूटी, ड्यूटी कोई ड्यूटी हाँ कोई कह रहा था कुछ, सर कैबी अटेम्प्टर कैवी अटेम्प्टर है ना, तो ठीक, कैवी अटेम्प्टर तो ये कह रहा है कि भाई आपके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है, ठीक है, प्लेंटिफ इस केस में जो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, प्लेंटिफ के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है टू टेक केयर की, लेकिन प्लेंटिफ को जो है अपने कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए थे, है ना, और उस सेफ्टी मेजर ना लेने की वजह से जो है उसको वो नुकसान हो गया, और नुकसान कैसे हुआ, नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे एक जो है फैक्ट्री है बहुत बड़ी, क्या है, फैक्ट्री है बहुत बड़ी, फैक्ट्री में ये रूल है कि जो भी फैक्ट्री के अंदर जाएगा वो एक हेलमेट लगा के जाएगा, ठीक है, हेलमेट लगा के जाएगा। क्यों हेलमेट लगा के जाएगा, क्योंकि वहां पे हेवी चीज का काम होता है, कोई भी चीज कहीं से भी उसके ऊपर गिर सकती है, ठीक है, कोई भी चीज कहीं से उसके ऊपर गिर सकती है। अब क्या हुआ कि मैं बोला कि यार हेलमेट लगाऊंगा तो मेरा जो बाल है ना वो खराब हो जाएंगे, मैं बिना हेलमेट के फैक्ट्री में जाऊंगा, मैं हेलमेट में बिना बिना हेलमेट के फैक्ट्री में गया। अब वहां पे जो है दो वर्कर काम कर रहे थे, और उन वर्कर में ने मशीन को सही तरीके से केयर नहीं किया, और वो मशीन का कोई पार्ट खुला और खुल के उड़ के सीधा आके मेरे सर पे लग गया, ठीक है, तो माना उनकी साइड से नेग्लिजेंट एक्ट था, वो मशीन को सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहे थे ना, या कि कोई इंसान जो है वो किरान जो होता है, जो किरान ऑपरेटर, वो किरान को सही तरीके से ऑपरेट नहीं करा, तो उसने ऐसे ऐसे घुमाया और वो जाके मेरे आके मेरे को लग गया सर पे, ठीक है। तो क्या है कि लायबिलिटी उसकी है यहाँ पे, जिस जो किरान ऑपरेटर है या जो जो भी पर्सन वहां पे फैक्ट्री में काम कर रहे थे, मशीन के ऊपर काम करते और नेग्लिजेंट एक्ट कर रहे थे, उनकी वहां पे लायबिलिटी है, बट यहाँ पे मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। क्या कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है मेरा, कि जो सेफ्टी मेजर्स मुझे अपने लिए लेने थे वो सेफ्टी मेजर मैंने अपने लिए नहीं लिए। तो यहाँ पे क्या होगा सीन, यहाँ पे सीन ये होगा कि भाई जो मेरे क्या कहते हैं उसको कंपनसेशन क्लेम है उसमें से अमाउंट कम कर दिया जाता है, ठीक है, इन सब चीजों, ये बेसिकली कहने का मतलब कि जो डैमेज होते हैं उन पे इफेक्ट करता है, जो डैमेजेस क्लेम होते हैं उन पे इफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट भी है, ये भी है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल को हम फॉलो करेंगे। लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल का मतलब यह है कि जब दोनों साइड से नेग्लिजेंट होगा तो उस सिचुएशन पे हम ये देखें कि लास्ट अपॉर्चुनिटी किसके पास थी उस एक्ट को अवॉइड करने की। जैसे वो डोंकी वाला मैंने एग्जांपल आपको बताया कि एक ने अपने गधे को जो है वो रोड पे छोड़ दिया, हाईवे पे छोड़ दिया कि जाओ तुम घूमो, घास खाओ, जो भी करना है करो, ठीक है। डिफेंडेंट बहुत ही स्पीड से अपनी गाड़ी को चलाते हुए आ रहा था, और उसने क्या किया, डंकी के ऊपर चढ़ाते हुए गाड़ी लेके पार हो गया। तो
यहां पे अगर हम देखें तो लास्ट अपॉर्चुनिटी किसके पास थी? डिफेंडेंट के पास। भाई अगर डिफेंडेंट गाड़ी को स्लो लेकर आ रहा होता तो ऑब्वियस सी बात है वो डंकी के ऊपर गाड़ी नहीं चलाता और डंकी जो है उसकी मौत नहीं होती, गधे की मौत नहीं होती, कहने का मतलब है। तो लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल के हिसाब से हम लायबिलिटी को यहाँ पे देखेंगे कि भाई जिसके पास जो है लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी वही यहाँ पे लायबल किया जाएगा। ठीक है, तो पहले ये रूल आ गया हमारा लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। फिर उसके बाद कहता है कि द लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल आल्सो वाज वेरी अनसेटिस्फैक्टरी बिकॉज़ द पार्टीज हु एक्ट नेग्लिजेंस वाज अर्लियर ऑल टुगेदर एस्केप द रिस्पांसिबिलिटी एंड हुज नेग्लिजेंस वाज सब्सिक्वेंट वाज मेड होली लायबल इवन दो द रिजल्टिंग डैमेज वाज द प्रोडक्ट ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द बोथ द पार्टी। ठीक है, समझ आई बात? सबसे पहला एक रूल है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का, इसमें कह रहे हैं कि हम लोग दोनों की लायबिलिटी होगी तो यहाँ पे जो डैमेजेस का बात होगी उसमें हम कंपनसेशन या तो हम नहीं देंगे या तो हम कम देंगे, है ना। अगर एक की गलती हुई और दूसरे की भी गलती है तो जिसकी ज्यादा गलती है उससे हम कंपनसेशन लेंगे, जिसकी कम गलती है हम उसको थोड़ा सा पैसा दे देंगे या फिर हम नहीं देंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन। फिर एक रूल आया, रूल में ये कहता है कि भाई लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल हमें देखें कि लास्ट किसकी गलती थी, सबसे आखिरी में कौन इस हार्म को रोक सकता था। तो जो इस हार्म को आखिरी में रोक सकता था उसी की पूरी लायबिलिटी होगी और उसको पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली प्लेंटिफ और डिफेंडेंट किस बेसिस पे यहाँ पर डिसाइड होंगे कि लास्ट में गलती किसकी थी। और तो कहते हैं ना कि आखिरी में गलती किसकी थी, आखिरी के हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। डेविस वर्सेस मान वाला केस था, है ना, गधे वाला। तो लेकिन इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बोला कि यार ये तो कोई बात नहीं हुई, गलती दोनों की है, लायबिलिटी एक की है, भाई आप आखिरी वाले थे तो आपकी लायबिलिटी हो गई, ये तो कोई बात सही नहीं हुई। तो इसकी वजह से इस चीज को मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई करके लाया गया, एक लॉ लाया गया, लॉ रिफॉर्म्स कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945। According to this provision, whenever both parties are negligent and they have contributed to some damage, then the damage will be appropriate between them. कहने का मतलब है कि भाई जिसकी जो गलती होगी वो उतना पे करे। ठीक है, जिसकी जो गलती होगी वो उतना पे करेगा। ठीक है, इंग्लैंड में इस लॉ को बना दिया गया, बोला कि भाई आपने भी थोड़ी सी गलती करी तो सामने वाले से आपको भी कुछ, आपको आपको सामने वाले को आपको कुछ पे करना पड़ेगा, सामने वाले के एक्ट से आपको कुछ नुकसान हुआ तो आपको भी सामने वाले को पे करना पड़ेगा। ठीक है, डैमेज विल बी अप्रोप्रिएट बिटवीन। इंडिया में कोई लॉ है इसके ऊपर? तो इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ इस चीज के ऊपर नहीं है। केरला ने एक लॉ बनाया है, केरला जो हमारा स्टेट है उसने एक लॉ बनाया है, केरला टॉर्ट मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1976। इसमें कहा गया है कि भाई अप्रोप्रिएटमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन द केस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, भाई जिसकी जितनी गलती होगी उसको उतना जो है वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, देन फिर आता है इसमें केस रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बजरूम बीबी। इसमें यही होता है कि भाई बस जो है ओवर क्राउडेड हो जाती है, ओवर क्राउडेड की वजह से जो बस का ड्राइवर होता है वो क्या करता है, पैसेंजर को अलाउ करता है कि भाई आप जाके छत पे पड़ो, छत पे बैठ जाओ, है ना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सीट्स में बस के ऊपर ही बैठ के लोग जाते हैं। मुर्शिदाबाद वगैरह अगर हम जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी ना। साउथ वगैरह में अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पे भी कहीं कहीं पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो यहीं पर होता है कि बस का जो ड्राइवर है वो अलाउ करता है कि आप बस के ऊपर बैठ जाओ क्योंकि बस ओवर क्राउडेड होती है। बहुत सारे मूवी में भी आपने देखा होगा, कौन सी मूवी है वो आपकी, किसी ने अगर मूवी देखी होगी वीर ज़ारा, है ना, तो वीर ज़ारा में भी शाहरुख खान जो है वो प्रीति जिंटा के साथ बस के ऊपर बैठता है जाके, है ना, जगह नहीं मिलती है। सो द पॉइंट इज कि अगर आप बस के ऊपर बैठे हो तो बस के ऊपर बैठना इज नॉट अलाउड, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई बस के ऊपर जो है वो क्राउड जो है वो जाके बैठी होती है, बस ड्राइवर को ये चीज का ध्यान नहीं होता है, वो जो है नेग्लिजेंटली ड्राइव करता है और रिजल्ट होता है कि जो ऊपर पैसेंजर बैठे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। हो सकता है उसने स्पीड में ब्रेक मारा हो, बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा होता और स्पीड में ब्रेक मारा, सारे लोग धड़ाम से नीचे। तो इस सिचुएशन में जो है ड्राइवर और कंडक्टर को रिस्पॉन्सिबल किया जाता है फॉर द नेग्लिजेंट ऑल दू
कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द पैसेंजर एज वेल, बट कोर्ट वहां पे क्या करता है, 50% कंपनसेशन दिलवाता है। नॉर्मल केस में क्या होता है, 100% क्लेम मिलता कि भाई बस वाले ने गलत तरीके से गाड़ी चलाई और नुकसान करा दिया, बट यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस पैसेंजर का भी था। क्यों जाके वो छत के ऊपर बैठे, दूसरी बस कर लेते या नहीं जाते, छत के ऊपर जाके वो बैठे तो उसका मतलब है उनका भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस था। इस वजह से जो है यहाँ पे कोर्ट ने 50% बोला कि क्लेम जो है उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। देन इसके बाद आता है कंपोजिट नेग्लिजेंस। कंपोजिट नेग्लिजेंस में सिंपल सी बात है कि भाई दो लोगों के मिलके किसी तीसरे लोगों का नुकसान कर दिया, है ना, कि दो गाड़ी एक इस साइड से आ रही है एक इस साइड से आ रही है, दोनों ने आके बीच में एक सामने में कोई आदमी खड़ा था उसको आके हिट कर दिया। ठीक है, तो इसमें आता है एक जॉइंट टॉर्ट फीजर और एक होता है इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर। कि जब दो और दो से ज्यादा लोग अपने रॉन्गफुल एक्ट को करते हैं और उसमें किसी का नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो उनका जो कॉमन डिजाइन होता है, कॉमन डिजाइन कहने का मतलब है कि भाई दो लोग एक ही गाड़ी में बैठे हैं और उनका कहना है कि भाई चलो गाड़ी को स्पीड चलाते हैं, भगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और उन्होंने जाके किसी और को मार दिया, है ना। तो क्या किया उन्होंने, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर किया। ये दो लोग गाड़ी चला रहे, रेस कर रहे हैं कि भाई हम लोग चलो इस हाईवे पे रेस करेंगे, और उन्होंने जाके जो है किसी को हिट कर दिया, तो ज्वाइंट टॉर्ट फीजर की भाई एक साथ उन लोगों की लायबिलिटी हो, है ना, उनका माइंड एक साथ काम कर रहा था, दोनों ने मिलके इस काम को करने का सोचा और किसी को नुकसान कर दिया, है ना, कॉमन इंटेंशन जो आप लोग क्रिमिनल लॉ में पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर। इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर में एक्ट जो है दो लोगों का होता है, बट उन लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट, उन लोगों के माइंड का मीटिंग नहीं होता। माइंड का मीटिंग का कहने का मतलब है कि एक इस तरफ से गाड़ी लेकर आ रहा है और एक इस तरफ से गाड़ी लेकर आ रहा है, उन दोनों को आपस में कोई लेना देना नहीं है ना, दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं, मिले नहीं, कुछ नहीं किया, और आके बीच में किसी आदमी कोई खड़ा था उसको आके हिट कर दिया, तो वो हो गए इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर, है ना, तो भाई अलग अलग दोनों का एक्ट था बट जो नुकसान हुआ वो एक ही किया, एक ही आदमी के अगेंस्ट किया नुकसान और एक ही टाइम पे कर दे। ठीक है, सो ज्वाइंट टॉर्ट फीजर, इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर का मतलब होता है कि भाई ज्वाइंट में मतलब आप दो लोगों ने मिलके किसी एक आदमी का नुकसान कर दिया, इंडिपेंडेंट में दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग एक्ट से एक आदमी का नुकसान कर दिया एक ही टाइम, या एक ही एक्ट से एक आदमी का नुकसान कर दिया एक ही टाइम, है ना, नेग्लिजेंट एक्ट। तो इन सिचुएशन में जो है वो लायबिलिटी आएगी। इंडिया में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है ज्वाइंट और इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर का, अगर दो या दो से ज्यादा लोग आदमी जो है वो कॉमन डैमेज करता है, ठीक है, चाहे वो जॉइंटली करे इंडिपेंडेंटली करे, उनको कंपोजिट टॉर्ट फीजर कहा जाता है और उनकी लायबिलिटी वही होगी जॉइंटली या सेवरली। मतलब कि वो इंसान जो है जिसको नुकसान हुआ है वो या तो किसी एक के खिलाफ केस कर दे या सबके खिलाफ केस कर दे। ठीक है, ठीक है, वहां पे जो है वो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई भाई नहीं मुझे जो है वो केस मत करो मेरे खिलाफ या मैं कंपनसेशन पे नहीं करूंगा, ऐसा नहीं, सबके खिलाफ जो है वो केस चलेगा। एक केस है, इस केस को देख लीजिए, फिर इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस कृष्णन। ठीक है, दो पैसेंजर होते हैं, ठीक है, दो पैसेंजर बसेस जो है एक दूसरे को जो है इस तरीके से ब्रशेस करते हैं, मतलब उनका होता है ना कि साइड से ऐसे करके दोनों जो लड़ जाते हैं ऐसे करके, तो उस तरीके से ऐसे लड़ती हैं कि जो उनके अंदर बैठे पैसेंजर होते हैं, उन दो पैसेंजर, उनका लेफ्ट हैंड जो है पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है, उनको कटवाना पड़ता है ना, तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो कहती है कि जो दोनों की जो बसेस वालों की जो लायबिलिटी है वो जॉइंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो है वो कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल है, बोथ द ड्राइवर आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द कंपनसेशन। यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो कंपोजिट नेग्लिजेंस की, मतलब दोनों बस ड्राइवर जो है वो बहुत स्पीड में थे, उन्होंने गाड़ी जो चलाई और दोनों की जो है गाड़ी एक दूसरे से साइड से जो है वो लड़ी, और इसके वजह से जो दो पैसेंजर थे उनके हाथ जो है वो चले गए। तो इस सिचुएशन में उनको जो कंपनसेशन पे करेगी वो दोनों बस ड्राइवरों जो है वो पे करेंगे। बस बेसिकली कहने का मतलब ये जो दोनों बसेस थी वो तो स्टेट गवर्नमेंट की थी, तो यहाँ पे इसलिए ये नाम आया है कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, कि वो
फिर स्टेट जो है उनको कंपनसेशन पे करेगा, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ देयर नेग्लिजेंस ऑफ देयर ड्राइवर बेसिकली। तो पॉइंट इज यहाँ पे कि भाई अगर दो लोग मिलके किसी एक इंसान को नुकसान करते हैं तो वो कंपोजिट नेग्लिजेंस में जाएगा, और कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की जब प्लेंटिव जो क्लेम कर रहा है कंपनसेशन उसका खुद का इन्वॉल्वमेंट है उसकी जो उसको जो नुकसान हुआ उसमें, तो वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो हमेशा दोनों में डिफरेंस याद करेगा रखिएगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी में जब जिसको नुकसान हुआ है उसका भी कोई इन्वॉल्वमेंट था, उसकी कुछ गलती थी जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ है, और कॉन्ट्रीब्यूटरी में दो लोग जो है जब किसी एक इंसान को या दो लोग से ज्यादा जो है किसी एक इंसान को अपने एक्ट से नेग्लिजेंट एक्ट से नुकसान करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री आ जाती है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में कि पहले लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल फॉलो होता था, देन उसके बाद हमने क्या किया इंग्लैंड में एक लॉ बनाया और इसमें कहा कि भैया हम अप्रोप्रिएट जो है वो डैमेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, भाई जिसका जितना गलती होगी उसको उतना कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। केरला में जो है एक लॉ इसके ऊपर बना है और इसके ऊपर एक फिर केस आता है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बिजलूम बीबी का। इसमें ये कहा गया कि भाई अगर सामने वाले की भी गलती है आपकी भी गलती है तो जिस अगर किसी की ज्यादा गलती होगी तो उसको भी आधा कम से कम कंपनसेशन पे करना पड़ेगा यहाँ, है ना। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने 50% फुल कंपनसेशन नहीं दिलवाया बट 50% कंपनसेशन कोर्ट ने यहाँ पे आपको दिलवाया, ठीक है। चलिए अब बताइए कि किसका जो है क्या सवाल है, हम सवाल को लेंगे एंड देन उसके बाद क्लास को फिर ओवर करेंगे। इसका क्या क्या सवाल है आप बताइए, किसको क्या नहीं समझ में। हर दिन कोई एक एब्सेंट रहता है क्लास में, है ना, बस इसका ध्यान रखिए। तो फिरोज, बिलाल, नशेमन एंड शिवम, समझ में चीजें क्लियर है। कल ये थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे, आज मैं भूल गया, मैंने कल कहा था आप लोगों को कि कल हम लोग जो है चीजों को रिपीट करेंगे। रिपीट करने का मतलब है कि हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो आज मैं भूल गया वो चीज। तो स्टार्टिंग के जो 5 से 7 मिनट होंगे हम लोग इस चीजों को जो भी आज पढ़े हैं उन चीजों को देखेंगे कि भाई आप लोगों को सच में अगर आप लोग जो कह रहे हैं कि याद हो रहा है समझ में आ रहा है तो वो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, या जो चीजें मैं डिलीवर कर रहा हूँ उसी वे में आप उस चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो कल की जब क्लास स्टार्ट होगी